है, दिख रहा है स्टार्ट। हाँ, हेक्सागोनल नट की यहाँ पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम हेक्सागोनल नट के लिए डायट 20 mm लेते हैं। यहाँ एक हम आपको प्रोफाइल डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, जिस पे आपको फार्मूला एक तरफ से दिखाई देगा कि कैसे हमको बनाना है, ठीक है ना। देख सकते हैं हेक्सागोनल नट में, है ना, ये थिकनेस है। आप जब हेक्सागोनल बोल्ट बनाएंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या ये रहेगा 0.8D जनरली लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम नट पे D मान रहे हैं, बोल्ट में यही जो ऊंचाई रहेगी यहाँ पे ये 0.8D रहेगी, लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, D ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो लेंथ है ये हमारी कितनी है, 2D, ठीक है। इसके बाद आपका ये वाला जो पोर्शन है बीच का, ठीक है ना, हेक्सागोनल का ये पोर्शन जो बन रहा है ये कितने का है, ये बीच का आपका D आएगा, और अगल बगल का D/2 और D/2, ठीक है। ये पोर्शन आपका हेक्सागोनल बोल्ट पे रहेगा, सॉरी नट पे रहेगा। इसके बाद इसका जो साइड व्यू आता है आपका, है ना, साइड व्यू हम इधर नीचे की तरफ बनाए दे रहे हैं, टॉप व्यू ऊपर बना देंगे, ठीक है ना। साइड व्यू में हमारा क्या रहेगा, देखिए पोर्शन ये रहेगा 1.5D, ये अक्रॉस कॉर्नर है इसकी लेंथ, और ये अक्रॉस फ्लैट है, ठीक है ना। ये कितना रहेगा, 1.5D प्लस 3, कहीं कहीं 1.5D भी दिया रहता है। हाइट सेम रहेगी, डी इक्वल टू टी, चाहे थिकनेस मान लीजिए, मतलब डी इक्वल टू टू, जितना डी रहेगा उतना ही आपकी इसकी क्या रहेगी, थिकनेस रहेगी, ठीक है ना। टॉप व्यू में आपका जो पोर्शन आएगा तो वो कैसा रहेगा, इसी लंबाई चौड़ाई जैसे आपने फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू में पढ़ रखी है, तो इसी तरह से आप लेंथ और हाइट ले लेंगे, ब्रेथ ले लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे क्या बना लेंगे, सेंटर लाइन, ठीक है ना। और सेंटर लाइन लेने के बाद यहाँ पे क्या बना लें, सर्किल बना लें, ठीक है ना। और सर्किल बनाने के बाद क्या करना है, इसको ऐसे यहाँ से स्लोप पे ऐसे टच कराते हुए, ये एक्चुअली ज़्यादा दूर बन गया है, ठीक है ना, इसको ऐसा। ये अभी आपका हमने क्या बनाया है, इसका प्रोफाइल डायग्राम बनाया है, ठीक है ना। ये जो लेंथ रहेगी ये 2D रहेगी, ये वाली जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी आपकी, 1.5D प्लस 3 रहेगी, ठीक है ना। सर्किल और इसके बीच में ये 2 mm पे इसका थ्रेडेड पोर्शन, ठीक है, थ्रेड भी बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे, हाँ थ्रेडेड पोर्शन है ये नट है। तो इस तरह से ये इसका प्रोफाइल डायग्राम है। यहाँ पे आपको एक क्या चीज़, यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, देखिए ये आपका क्या हो गया, आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका हो गया टॉप व्यू, ठीक है ना। साइड व्यू के पोर्शन में आपको क्या चीज़ दिखेंगी, दो चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, है ना, दो कर्व दिखेंगे, इसका आप हाफ कर लेंगे, है ना, इस तरह से। अब इसको बनाना कैसे है यहाँ पे हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। अभी हमने इसको इसका प्रोफाइल डायग्राम बनाया। सबसे पहले हम इसका टॉप व्यू बना लेते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं, टॉप व्यू से। अगर डी हमारा 20 है तो टॉप व्यू में ये हमारा पोर्शन कितना है, 1.5D प्लस 3, मतलब कितना आ जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 33 mm आ जाएगा, ठीक है ना। 15 × 30 प्लस 3, ठीक है। इसके अलावा 2D की अगर बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 20 × 40, ठीक है ना। तो हम 40 mm की सबसे पहले यहाँ पे लाइन खींचते हैं, 40 mm की, ये है ना 40, ये वाला पोर्शन ना, 10, ये 10 हो गया, 20, 30 और ये 40, ठीक है। तो हमने ये देखिए मार्क कर दिया है 40 mm। इसी तरह से 33 mm हमको इसकी हाइट ले लेनी है, हाइट नहीं थिकनेस, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो गया, 30 mm, 1, 2 और ये 3, ये हमने यहाँ मार्क कर दिया। तो हमको सबसे पहले जैसे हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू का बॉक्स बनाते हैं, वैसे ही हमको यहाँ पे बॉक्स बनाना है, ठीक है। ये 33 mm, ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको इसका जो लोकेशन है वो बिल्कुल क्लियर कर लेनी है, ठीक, ये देखिए, है ना। और फिर इसका
आपने ये देखिए 40 mm का सेंटर हमको कितने mm पे मिलेगा, 20 mm पे मिलेगा। तो 20 mm पे हमको सेंटर लाइन बना लेनी है। इसी तरह से 33 mm का सेंटर कितने mm में मिलेगा, 16.5 mm पे। आप 33 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने कितना आ जाएगा, 16 अगर काउंट कर लें, 2 1 2 और 2 2 6 12 है ना, 2 6 12 तो बचेगा 5 2 5 10, ठीक है। तो 16.5 एम पे इसका हमको क्या ले लेना, सेंटर ले लेना, काउंट कर लें, यहाँ पे 10 15 16 और ये यहाँ पे 16.5, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ से 16.5 मार्क कर लेना है, ये देख सकते हैं हमने मार्क कर लिया है, यहाँ पे हम सेंटर लाइन बना लेंगे। ये यहाँ पे इसकी सेंटर लाइन बन चुकी है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, राउंडर से सर्किल बना लेना, ठीक है। ये हमने सर्किल बनाया, इसको बराबर से नापेंगे, इससे हमारा सर्किल क्या हो, छोटा बड़ा ना हो। पहले चेक कर लें, क्या होता है कभी कभी इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट रहता है, जिस वजह से चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। जैसे आप हिल रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको बिल्कुल सही रखना है इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल बराबर चेक कर लेना है, ठीक है ना। और इसको सर्किल कंप्लीट करना है, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा आपका सही होना चाहिए। इस तरह से आपका इंस्ट्रूमेंट रहेगा, ये आपने बना लिया, क्या सर्किल बना लिया। सर्किल बनाने के बाद आपको इसको स्पर्श कराते हुए इन पॉइंटों से जोड़ देना है, जिससे आपका ये हेक्सागन बन जाए, ठीक है ना। बिल्कुल बराबर इसको टच कराते हुए ये पॉइंट से, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम इसको टच करते हुए ध्यान रखेंगे कि बराबर अगर आपने सर्किल सही बनाया। मेरा थोड़ा सा एक है, यहाँ पे कम समझ में आ रहा है आपको, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा गड़बड़ होने की वजह से, है ना। लेकिन अगर आप सही बनाते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका सही पॉइंट पे आएगा ये। इस तरह से ज़रूर इसको स्पर्श करते हुए बनाना, टच कराते हुए, ठीक है, तभी आपका हेक्सागन सही रहेगा। आपने पढ़ा भी है कि जो वृत्त के बाहर है ना या अंदर, अगर आपने रेगुलर आपने बनाया हुआ है, पॉलीगन बनाया हुआ है, रेगुलर बहुभुज, तो अगर उसके अंदर आप सर्किल बनाते हैं तो सभी भुजाओं को क्या करेगा, स्पर्श करेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपने बना लेना, ये आपका क्या बन गया, हेक्सागन बन गया। और हेक्सागन के अंदर ये गोल सर्किल, अब इसके बाद आपको जो डायमीटर लेना है इसके अंदर का, वो कितना लेना है, 20 mm इसका डायमीटर है, तो 10 mm इसकी हम क्या ले लें, रेडियस ले लें, 10 mm इसकी रेडियस ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे 10 mm रेडियस ले लिया, ठीक है। और 10 mm के रेडियस का हम यहाँ क्या बना लेते हैं, सर्किल। अब देखिए यहाँ पे हमने सर्किल बनाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हमको छोड़ देना है बीच में। छोड़ेंगे क्यों, क्योंकि इंटरनल थ्रेड है ना। इंटरनल थ्रेड में अगर चूड़ी अंदर की तरफ कटी हुई है तो हमको बाहर की तरफ छोड़ना है, और एक्सटर्नल थ्रेड में अगर चूड़ी बाहर की तरफ कटी हुई है तो अंदर की तरफ थोड़ा छोड़ेंगे। अब 2 mm इस पर कम कर लें, जो हमको चूड़ी के भाग को दर्शाएगा हमारे, ठीक है ना। अब हम यहाँ 8 mm का ले रहे हैं, है ना, 2 mm मान लीजिए कम कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम
8 हम का लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा इसका टॉप व्यू बन चुका है नट का, ठीक है। अब हम इसका क्या बना लेते हैं, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू का जो पोर्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, देखिए सबसे पहले हमको 40 mm की यहाँ पे लाइन खींच लेनी है, ठीक है ना। 40 mm पहले हम हाइट ले लें, कितने mm ले लें हाइट इसकी, 20 mm इसकी हम हाइट ले लेते हैं। 20 mm हाइट पहले हम हल्की रेखा से बनाएंगे, ध्यान रखना पहले ये डार्क नहीं बना लेना है, डार्क आपको लास्ट में करना है, ठीक है। इस तरह से 20 mm सबसे पहले हमने इसकी हाइट ले ली, ठीक है। और ये 40 mm जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना, ये 40 mm बन गया, ठीक है। 20x40 का बॉक्स बन गया, ठीक। इसके बाद आपको इसका सेंटर लाइन, इस पर पहले से है, आप सेंटर लाइन बना सकते हैं, ठीक। और DY2 जैसा हमने बताया था, यहाँ पे DY2 है, तो DY2 है, बीच में कितना आएगा, 10 mm आएगा, सॉरी 40 mm है ना, तो बीच में 20 mm आएगा, अगल बगल कितना कितना आएगा, 10 mm आएगा, ठीक है। तो 10 mm दोनों तरफ से मार्किंग कर लेते हैं, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो ऑटोमेटिक हमारा जो बीच में बचेगा वो कितना पोर्शन बचेगा, 10 mm, वो सॉरी 20 mm का बचेगा। यहाँ पे हमने 10 mm मार्किंग कर ली, ठीक है। अच्छा, इसका जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितना होता है, R 1.5 D, ठीक है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब राउंडर से क्या किया जाए, इसको 1.5 D ले लें, मतलब कितना ले लें, 30 mm, 30 mm, 15 × 30, ये आप देख सकते हैं मैंने 30 mm ले लिया है, ठीक है। और इसको ऐसे रखना है कि इसके यहाँ पे टच करें, ठीक है। और टच करने के बाद इसको इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपको स्टेप करना है वो क्या करना है कि इनका सेंटर निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है, सेंटर, सेंटर निकालने के बाद, ये सेंटर आपने निकाल लिया। और सेंटर निकालने के बाद ये आपने हल्की लाइन खींच ली, अब इसका हम क्या खींच दें, लमसम विभाजक, ठीक है ना। इसका हम क्या खींच रहे हैं यहाँ पे, लमसम विभाजक, ठीक है। लमसम विभाजक खींच लेंगे, लमसम विभाजक जहाँ हमारे इस सेंटर लाइन को काटेगा, देख सकते हैं ये यहाँ पे काट रहा है सेंटर लाइन को, वहाँ पे हमको रख के क्या बनाना है, इसका कर्व बनाना है। ये देख सकते हैं बराबर मिल रहा है, इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ये देख सकते हैं आप, है ना। इस तरह से आपको इसको बनाना है इधर भी, ठीक है ना। और यही चीज़ आपकी जो सेम यहाँ के यहाँ पे सेंटर लाइन पे मिल जाएगी सेम, ठीक है ना। यहाँ भी आप सेंटर लाइन बना लें, ठीक है। और सेंटर लाइन बनाने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ से इसको नाप लीजिए, ठीक। और यहाँ पे इसको ऐसे नाप लिया हमने, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि ये मिल रहा है ना, ये मिल रहा है, इसको यहाँ से
ऐसे, ये आपका थोड़ा सा थोड़ा तो सा लग गया है ना, इसको मिला लेंगे तो चीज़ें सही बनेंगी। थोड़ा इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी की वजह से चीज़ें इस तरफ समझ में आ रही हैं, बाकी इस तरह से बनेंगे, ठीक है ना। बनाना इसको ऐसे है तो थोड़ा सा ये, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ से इस इन लाइनों को यहाँ पे ऐसे डार्क कर लेना, ठीक है। ये हमारा कौन सा पोर्शन बन गया, इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के बाद हमको क्या बनाना है, इसका साइड व्यू। साइड व्यू में देखिए वही हाइट रहेगी सेम 20 mm, यहाँ 63 mm ले लेना, सॉरी 33 mm ले लेना है, कितना ले लेना है 33, और यहाँ पे कितना ले लेना है देखिए 20 mm, ठीक है। इसके बाद आपको इसका क्या ले लेना है, बीच का सेंटर 33 का कितना हो जाएगा 16.5, ठीक है, ये ले दिया आपने, ठीक। अब इसके बाद इनका भी आप सेंटर ले लीजिए, सेंटर ले लीजिए आप यहाँ से, सेंटर इसका कितना मिल जाएगा आपको 16.5 का, अगर आप 2 से इसको डिवाइड करें तो 8 है ना, और ये कितना है 8.25 ऐसा कुछ आएगा, 8.25 आपको आएगा, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ले लिया सेंटर, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ से भी आपने सेंटर ले लिया, दोनों तरफ से आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर लाइन बना लेंगे, और सेंटर लाइन बनाने के बाद ये देख सकते हैं कि पॉइंट आपको यहाँ से भी मिल सकता है इजीली, कोई कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ये एक पॉइंट आपको मिल गया है जहाँ पे आपको लेना है, या तो आप वही प्रोसीजर यहाँ पे भी अपना सकते हैं। कौन सा प्रोसीजर अपनाना है, ये आपको यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दें और इसका क्या खींच लें आप लमसम विभाजक, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसका लमसम विभाजक खींच लें इस लाइन का, दोनों तरफ से ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दें, लगभग यहाँ पे मिलेगा आपके, यहाँ पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इस जगह पे इसको रखना, देख सकते हैं कि यहाँ पे मिल रहा है ना। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे हमारा कितने का रेडियस लेके हमको चीज़ों को करना है। थोड़ा इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ है ऐसा समझ में आता है, इस तरह से जैसे ये पॉइंट हमने लिया है, यही पॉइंट हम यहाँ पे भी ले लें, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है। इस तरह से इसको आप बना सकते हैं बहुत आसानी से, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसका डायमेंशनिंग ज़रूर कर दीजिएगा जिससे आपको समझ में आए चीज़ें कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। ध्यान रखना है ये वाला पोर्शन हमारा कितने का रहेगा, 63 का रहेगा, सॉरी 2D है ना,
40 एम एम का रहेगा, कितने का रहेगा 40 का, और ये रहेगा 33 एम एम का, ये 33 का रहेगा, ठीक है ना। बीच का आपका जो रेडियस है 10 एम एम का रेडियस, अंतर ये आपका जो थ्रेड बन रहा है इंटरनल थ्रेड है, यहाँ पे आपको एक हिडन बनाना है 2 एम एम पे, ठीक है ना। ये आपके अंदर थ्रेडेड पोर्शन को शो करेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सेव हो जाएगा।